हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम कंचन। सो गाइस, अभी बज रहे हैं 4:00 और व्लॉग स्टार्ट अभी किया है क्योंकि मैंने एक वीडियो शूट किया है अभी भी, आईब्रोज वाला, मतलब थ्रेडिंग करने वाला। और आप देख सकते हो मेरी आईब्रोज डन हो चुकी है। मैंने थ्रेडिंग का वीडियो सेपरेट बनाया है क्योंकि मैंने सोचा व्लॉग में इंक्लूड करने से अच्छा है सेपरेट वीडियो, काफ़ी लोगों तक पहुँच जाएगा अगर आप पहुँचाना चाहते हो तो उसे, मतलब बहुत लोगों की हेल्प हो जाएगी उससे। तो इसीलिए मैंने वो सेपरेट वीडियो बनाया है और आपने अभी तक देख भी लिया होगा, और जिस जिसने नहीं देखा है तो वो चेक कर लेना, आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि आप घर पे आईब्रोज कैसे बना सकते हो। आप सीख जाओगे उससे आईब्रोज बनाना घर पे, और किसी पे डिपेंड नहीं होना पड़ेगा आपको। मतलब कोई भी सिचुएशन आए, कुछ भी हो जाए, तो आपको किसी पे डिपेंड नहीं होना पड़ेगा अगर आप घर पे आईब्रोज बनाते हो तो। और अभी की सिचुएशन ऐसी है कि आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है घर पे बनाने के सिवा, तो कुछ भी चीज़ आपको घर पे ही करनी पड़ रही है, जैसे कि फेशियल, थ्रेडिंग या ब्लीच और पेडिक्योर मैनिक्योर, जो भी चीज़ें हो, वैक्सिंग वगैरह भी घर पे ही करनी पड़ रही है। आपको अगर वैक्सिंग का भी वीडियो चाहिए हो या कुछ भी चीज़ का वीडियो चाहिए हो पार्लर से रिलेटेड, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, तो मैं आपके साथ वो शेयर करने की ज़रूर कोशिश करूँगी। और ये सारी चीज़ें आपको घर में करनी पड़ रही है अभी, तो इसी वजह से ना मैंने सोचा चलो थ्रेडिंग तो सबकी ज़रूरत है, बाकी चीज़ें कोई करता है या नहीं करता है वो तो उनके ऊपर डिपेंड करता है, बट थ्रेडिंग तो सभी करते होंगे, इसी वजह से थ्रेडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके आईब्रोज बढ़ जाती है ना तो आपका फेस पूरा डल दिखने लगता है। अगर आप आईब्रोज डन करते हो तो आपके फेस पे एक इंस्टेंट चेंज आ जाता है। तो इसी तरह से आपको आईब्रोज सीखना चाहिए, अगर आप नहीं आता है आपको बनाना तो आईब्रोज सीखना भी चाहिए, तो उसके लिए ही मैंने वो वीडियो बनाया है, तो ज़रूर देखना, उससे आप आईब्रोज बनाना सीख जाओगे और उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, तो आप किसी पर डिपेंड नहीं रहोगे, मतलब कोई भी सिचुएशन हो आप फेस कर पाओगे। और कहीं जाना हो आपको इंस्टेंटली तो किसी को रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या तो पार्लर ओपन है या पार्लर बंद है, वो वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, तो इसी तरह से आप सीख जाओगे। तो वही वीडियो शेयर किया है मैंने, जाके देख लीजिएगा, आपकी हेल्प हो जाएगी। तो वही बताना था आपको। और अभी 4:00 और अद्विक और उसके पापा सो रहे हैं, तो मैंने सोचा चलो तब तक वीडियो बना लेती हूँ क्योंकि शांति रहती है तब घर पे, नहीं तो अद्विक बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है आपको पता है वीडियो के बीच में, तो इसीलिए उसको शांत भी नहीं कर सकते हम लोग, मतलब उसको शांत करने भी जाओ ना तो वो शांति से रहेगा नहीं, आपको तो पता है वो कितना चुलबुला है, तो इसी वजह से वो बिल्कुल शांति से नहीं रहता। तो मैंने सोचा चलो अभी शांति है घर में तो वीडियो बना लेती हूँ, तो वही किया है। और अभी बस थोड़ी देर में ये उठ जाएंगे, उसके बाद चाय वगैरह बनाऊँगी, चाय पीऊँगी, कुछ स्नैक्स के लिए बनाऊँगी तो वो आपके साथ शेयर करूँगी ही। तो चलिए फिर मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद आप। और गाइज, आप सब क्या कर रहे हो और कैसे गई आप लोगों की ईद, ज़रूर बताना मुझे कमेंट करके। जो जो मुस्लिम मुझे देख रहे हैं वो तो ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि आप लोगों की ईद कैसी गई, कैसे लॉकडाउन में आपने सेलिब्रेट किया ईद को। और हाँ, यहाँ पर हम लोग काफ़ी दिनों के बाद हस्बैंड वाइफ बैठे हैं, चाय लेते हुए मज़े कर रहे हैं, गैलरी में आके बैठ गए थे। एक्चुअली बहुत दिन हो गए थे हम लोगों ने साथ में चाय नहीं पी थी, मतलब साथ में चाय पीते हैं बट सुबह सुबह की जो चाय होती है साथ में पीते हैं हम लोग, तो वो इतने रिलैक्स होकर नहीं पीते हैं, तो वो ना जल्दबाजी में रहते हैं, ये ब्रेकफास्ट करते हैं उस टाइम ये चाय पीते हैं, मैं भी चाय पीती हूँ, ऐसे करके हम लोग साथ में चाय पी लेते हैं और बहुत जल्दबाजी में होते हैं तो बातें भी नहीं हो पाती है। तो आराम से हम लोग ऐसे बातें करते हुए बैठ गए थे यहाँ पे, तो बातें पता नहीं कौन सी चल रही थी, कौन से टॉपिक पे चल रही थी, बट ऐसे होता है कि हम जब बैठ जाते हैं ना तो हम लोग एकदम ऐसे उठ जाते हैं, एकदम फ्रेंडली हो जाते हैं एक दूसरे से बातें करते हुए, तो मतलब सारी चीज़ें उस टाइम शेयर कर देते हैं एक दूसरे के साथ, तो ऐसे ही होता है हमारा, शाम की चाय ऐसे ही होती है हमारी। और हम लोग लेके आए थे लव बर्ड्स को भी ऊपर, तो हम लोग टाइम स्पेंड कर रहे थे तो हमने सोचा इनके साथ भी टाइम स्पेंड कर लेते हैं। और हाँ, अद्विक इस टाइम सो रहा था, माही से उठ गई थी तो माही भी ऊपर आ गई थी, माही भी सो रही थी एक्चुअली जब हम लोग आए थे ऊपर, तो बट माही हमारी वजह से उठ गई थी तो वो भी आ गई थी। और बच्चों का तो टाइम पास इसी से हो जाता है, बच्चे इन्हीं के साथ खेलते हैं दिन भर। इस चाय वगैरह हो गई हमारी और अद्विक भी उठ गया, उसके पापा भी उठ गए हैं, हम लोग आ गए थे ऊपर थोड़ा सा मज़ा लेने के लिए गैलरी का, और आप बैकग्राउंड देख सकते हो। तो यहाँ पर कभी कभी बैठ जाते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगता है यहाँ पे, थोड़ा जब धूप नहीं रहती है तब बैठना ठीक रहता है, अगर धूप आती है या बारिश भी होती है ना तो नहीं बैठ सकते यहाँ पे, धूप आती है तो भी नहीं बैठ सकते क्योंकि ऊपर इसकी डिज़ाइन अलग है, आपको दिखाती हूँ मैं, कुछ इस तरह से डिज़ाइन है इसके ऊपर,
तो इसीलिए ना ये ओपन है पूरी गैलरी, मतलब सिर्फ डिजाइन की हुई है ऐसे, तो इसीलिए यहाँ पर नहीं बैठ सकते हम लोग। पहले हमने सोचा था कि यहाँ पर क्या बोलते हैं तो झूला वगैरह टांगेंगे या कुछ भी, बट नहीं हो पाता है यार, यहाँ पे कुछ भी नहीं हो पाएगा क्योंकि धूप डायरेक्ट आती है और क्या बोलते हैं बारिश भी होती है, तो डायरेक्ट यहाँ पर बारिश लगती है, मतलब पानी लगता है, तो इसी वजह से कुछ भी नहीं कर पाते हैं यहाँ पे। सिर्फ बैठ सकते हैं ऐसे ही शाम के टाइम में, या कभी विंटर में हम लोग बैठ सकते हैं यहाँ पे धूप सेकते हुए, तो बैठ जाते हैं हम लोग धूप सेकते हुए यहाँ पे विंटर में वगैरह, तो वैसे नहीं बैठ सकते समर या मानसून में नहीं बैठ सकते हम लोग। और अद्विक आ गया है, अद्विक को दिखाती हूँ मैं, अद्विक को नहलाना भी है अभी और पंखियों के साथ खेल रहे हैं दोनों भी ये यहाँ पे खेल रहे हैं लव बर्ड्स के साथ। यार अंधेरा कैसे आ रहा है पता नहीं, चलिए नीचे चलते हैं। और आज मैं बनाने वाली हूँ पिज्ज़ा, पिज्ज़ा बेस लेके आई है। आज दोपहर में ड्यूटी से आए तब पिज्ज़ा बेस लेके आए थे, तो इसी वजह से आज पिज्ज़ा बनने वाला है, तो पिज्ज़े की रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ कैसे करते हैं ये लवर्स। और चलिए नीचे चलते हैं, पिज्ज़ा बनाते हैं और फिर ऊपर आएंगे, आराम से पिज्ज़ा खाएंगे, तब तक श्रीकांत भी आ जाएगा ड्यूटी से। तो चलिए फिर नीचे चलते हैं अभी और पिज्ज़ा की रेसिपी शेयर करती हूँ। पिज्ज़ा भी इंस्टेंट बन जाता है, जैसे मैंने वो पिज़्ज़ा बनाया था, जैसे ब्रेड पिज़्ज़ा बनाया था, वैसे ही ये वाला पिज़्ज़ा भी बन जाएगा इंस्टेंटली। तो चलिए नीचे जाती हूँ अब। क्या माही ने आवाज दिया और बताती भी नहीं है क्या बोलने वाली है। तो चलिए तो गाइज मैं आ गई हूँ किचन में और यहाँ पर गैस पे रख रही हूँ तवा सबसे पहले, क्योंकि तवे को हमें प्री हीट करना होता है और उसके बाद हमें उस पर जो पिज़्ज़ा है वो रखना होता है। तो तवा हम लोग प्री हीट कर लेंगे सबसे पहले और तब तक मैं वहाँ पर पिज़्ज़ा बनाने की तैयारी करूँगी। तो पिज़्ज़ा बेस तो ये रेडीमेड है, बट पिज़्ज़ा बेस मैंने घर पे नहीं बनाया है क्योंकि इन्होंने पता नहीं, ये गए थे बाहर तो ये लेके आए थे, तो इसी वजह से पिज़्ज़ा बेस तो रेडीमेड ही है। अगर आपके पास पिज़्ज़ा बेस रेडीमेड है तो आप इस तरह से बना सकते हो। तो आगे की प्रोसीजर मैं आपको बता देती हूँ कि जिस तरह से बनाना है पिज़्ज़ा। तो यहाँ पर पिज़्ज़ा बेस तो रेडी है और पिज़्ज़ा बेस के ऊपर हमें लगानी है टॉपिंग। तो टॉपिंग भी यहाँ पर रेडीमेड ही लाई है इन्होंने, तो ये डॉक्टर ओटकर की टॉपिंग है। अगर आपके पास नहीं है ये वाली टॉपिंग तो आप टोमेटो की चटनी भी बना सकते हो। मैंने जैसे कि आपके साथ ब्रेड पिज़्ज़ा के टाइम शेयर की थी, टोमेटो की थोड़ा सा सॉटे कर लेना है तेल डाल के कढ़ाई में, और उसमें थोड़ी सी लाल मिर्च भी सॉटे कर लेनी है और उसे पीस लेना है बिना पानी के, और उसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर देना है और हो जाएगी आपकी पिज़्ज़ा टॉपिंग रेडी। तो यहाँ पर मैंने पिज़्ज़ा टॉपिंग लगा दी है पिज़्ज़ा बेस पे, और उसके बाद ये जो क्रश किया हुआ है वो है पनीर, तो पनीर मैं ऐड कर रही हूँ। आपके पास क्यूब्स है पनीर के तो वो भी ऐड कर सकते हो। एक्चुअली ये उस दिन का बचा हुआ था पनीर मेरे पास क्रश किया हुआ, तो वही मैं ऐड कर रही हूँ। और यहाँ पर मैंने चॉप कर लिए है सारी सब्जियाँ, सारी मीन्स इतनी ही सब्जियाँ थी मेरे पास, प्याज थे, शिमला मिर्च थी और टोमेटो थे, तो वो मैंने बारीक चॉप कर लिए है। और इसके बाद इसमें डालूँगी नमक और फिर ये जो टॉपिंग है हमें उस पर ऐड करनी है, जो पिज़्ज़ा बेस हमने रेडी किया है उस पर हमने ये टॉपिंग ऐड करनी है। और एक्चुअली आप ना थोड़े से लंबे लंबे भी काट सकते हो सारी चीज़ें, बट मुझे लगे कि ऐसे अगर बनाते हो ना तो बच्चों को ज़्यादा बच्चे पसंद करेंगे, क्योंकि ज़्यादा बड़े बड़े दिखते हैं ना तो बच्चे जल्दी से निकाल देते हैं, बट ऐसे बारीक बारीक चॉप किए होते हैं ना तो कितना निकालेंगे, तो सब कुछ अगर ऊपर का निकल जाएगा तो खाएंगे क्या। तो इसी वजह से मैं सोचती हूँ कि ऐसे थोड़ा सा बारीक काटूँ तो बच्चे खा लेंगे, तो इसीलिए मैं बारीक काट के ही डालती हूँ और थोड़ा सा जल्दी पक जाते हैं ना ये, इसी वजह से भी ये डालना सही रहता है। तो इस तरह से मैं सारे टॉपिंग ऐड कर दूंगी, सब्जी टॉपिंग, और उसके बाद मैं उस पर चीज़ ग्रेट करके डालूंगी। तो अच्छे से ये डाल देना है और सारी चीज़ें, मतलब थोड़ा सा रेड ग्रीन वगैरह ऐसे दिख रहा है ना तो अच्छा दिखता है। अगर आपके पास बाकी भी सब्जियां है ना तो आप ऐड कर सकते हो, जैसे कि मशरूम हो गया, कॉर्न्स हो गया, तो ये सारी चीज़ें आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग सब्जी आप ऐड कर सकते हो इसमें, और बस इसी तरह से। और इसमें ना सब्जियां जितनी ऐड करोगे उतना ये हेल्दी होगा, क्योंकि बच्चे खाएंगे तो बच्चों के वैसे तो सब्जियां खाते नहीं है, किसी के भी बच्चे हो तो सब्जियां खाते नहीं होंगे, क्योंकि मेरे बच्चे तो अद्विक खा लेता है, वैसे अद्विक का कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट माही को इतनी बड़ी होने के बाद भी माही को ज़बरदस्ती सब्जियां खिलाना पड़ता है। तो इस तरह से मेरा जो पिज़्ज़ा है वो रेडी हो गया था, मैंने पूरा चीज़ जो है वो ग्रेट कर लिया था ऊपर से, और उसके बाद आपको इसे तवे पर रख देना है, और तवे की जो फ्लेम है वो बहुत कम रखनी है, मतलब लो फ्लेम पे ही आपको इसे होने देना है,
मतलब ताकि ये नीचे से क्रिस्पी हो जाए और अच्छे से ये मतलब जो चीज़ है वो भी मेल्ट हो जाए और सब्जियाँ भी पक जाए। तो इसीलिए आपको लो फ्लेम पे ही इसे होने देना है। और यहाँ पर मैंने ढक्कन रख दिया है और बस यहाँ पर दूसरा जो पिज़्ज़ा है वो रेडी कर रही हूँ, मतलब बना कर दे रही हूँ, ताकि ये बन जाने के बाद मैं तुरंत ये डाल सकूँ और फिर उधर ऊपर जो वेट कर रहे हैं सब लोग तो उनको वेट ना करना पड़े ज़्यादा। तो यहाँ पर मैं पहले जैसा ही सेम पिज़्ज़ा बना ले रही हूँ और बना के रख दूंगी, तब तक ये हमारा यहाँ पर हो जाएगा तवे पर जो रखा है हमने पिज़्ज़ा। और हाँ, किसी ने मुझे पूछा था कि, पूछा नहीं था एक्चुअली, बोला था कि आप अगर माइक्रोवेव में बनाते तो बहुत जल्दी बन जाता, जब मैंने आपके साथ ब्रेड पिज़्ज़ा शेयर किया था उस टाइम। बट डियर, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे घर पे माइक्रोवेव है, आपके घर पे माइक्रोवेव है, बट सभी के घर में माइक्रोवेव नहीं है। तो इसीलिए मुझे ऐसी ही रेसिपी शेयर करनी पड़ती है जो सबके घर में अवेलेबल हो। तो इसी वजह से मैं ऐसा कुछ दिखाती हूँ कि जो सब बना पाए और सबके घर में अवेलेबल हो। तो इसीलिए मैं तवे पर बना रही थी, कढ़ाई में भी बना सकते हो आप, तो इस तरह से आप बना सकते हो। अगर माइक्रोवेव है तो बहुत ही अच्छी बात है, माइक्रोवेव में तो आप बना ही सकते हो। अगर आपके घर में माइक्रोवेव है तो आपको पता ही होगा कैसे बनाते हैं माइक्रोवेव में, बट अगर नहीं है तो आप इस तरह से तवे पर बना सकते हो और बहुत जल्दी बन जाता है, ऐसा कुछ ज़्यादा देर भी नहीं लगती है। और यहाँ पर मैं चिली फ्लेक्स ऐड कर रही हूँ ऊपर से, और उसके बाद मैं यहाँ पर ऑरिगेनो ऐड कर रही हूँ। ऑरिगेनो भी अगर आपके पास है तो ऐड कर सकते हो, और चिली फ्लेक्स नहीं है आपके पास तो आप जो मिर्च होती है लाल मिर्च उसे भी पीस के उसे ऐड कर सकते हो ऊपर से, तो वही होती है चिली फ्लेक्स, कोई दूसरा कुछ होता नहीं है। तो बस रेडीमेड मिलता है, इसी वजह से हमें थोड़ा सा वो होता है कि यार नहीं पीसेंगे घर पे, तो रेडीमेड लेके आ जाते हैं। तो यहाँ पर मेरा पिज़्ज़ा जो है वो रेडी हो गया था, और डोमिनो स्टाइल पिज़्ज़ा रेडी हो गया था। बहुत ही अच्छा बना था, बहुत टेस्टी बना था, एक बार ज़रूर रेसिपी ट्राई करना। अगर आपने घर पे नहीं बनाया है पिज़्ज़ा तो एक बार ज़रूर बना के देखना और बच्चों को खिलाना, बहुत बच्चों को पसंद आएगा। और डोमिनोज जाना बंद कर दोगे आप, डोमिनोज पिज़्ज़ा हट सारे बंद हो जाने वाले हैं इस लॉकडाउन में, सारे लोग घर पे ही बना रहे हैं। तो जो चीज़ें घर पे नहीं बनाई हैं वो भी सारे घर पे बना रहे हैं, तो मतलब सारी चीज़ें एक्चुअली आदत हो जाएगी हमें घर पे बना के खाने की। तो इसीलिए ना कोई फिर बाद में रेस्टोरेंट नहीं जाएगा, ना कोई पिज़्ज़ा हट डोमिनोज नहीं जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर हम लोग एंजॉय कर रहे हैं पिज़्ज़ा को, और यहाँ पर बैठते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी बैठ जाते हैं यहाँ पर सभी लोग, हम लोग और श्रीकांत भी आ गया था ड्यूटी से, तो कभी कभी ना अपने खुद के लिए भी कुछ, खुद की खुशी के लिए भी कुछ कर लेना चाहिए, तो अच्छा लगता है। तो यहाँ पर हम लोग सारी फैमिली बैठ गए थे तो अच्छा लग रहा था, और इस तरह से बैठते हैं तो बातें बातें भी होती है और सारे दिन भर की जो बातें होती है वो भी शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ। और यहाँ पर देखो अद्विक ऐसे ही करता है हमेशा, कुछ ना कुछ मतलब वो गड़बड़ कर ही देता है, और मतलब वो गड़बड़ हमें झेलनी पड़ती है उसकी। कभी उसके पापा के साथ करता है तो कभी मेरे साथ करता है, तो यहाँ पर मेरे ऊपर पानी गिरा दिया था उसने, तो कोई बात नहीं, अभी गर्मी का मौसम है तो जल्दी सूख भी जाएगा, तो इतना कुछ लगा नहीं था, उल्टा ठंडा लगता है। तो ऐसे हम लोग करते हैं और एंजॉय कर रहे थे पिज़्ज़ा, और सबको पसंद आया था पिज़्ज़ा। और आप ज़रूर ट्राई करना और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, एक्चुअली बहुत लोग ट्राई करते हैं मेरी रेसिपी और मुझे कमेंट करके बताते भी है कि बहुत अच्छी बनी थी दी, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग ट्राई कर रहे हो और मुझे बताते भी हो, तो मुझे अच्छा लगता है कि चलो रेसिपी ट्राई की जा रही है। तो ऐसे ही ना मतलब अगर आप शेयर करते हो ना तो ऐसी चीज़ें, तो मुझे और मोटिवेशन मिलता है और अच्छी अच्छी चीज़ें आपके साथ शेयर करने का, और मैं अच्छी अच्छी रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ, इसके बाद भी और रेसिपी शेयर करती जाऊँगी इजी और सिंपल तरीके से। और आप ज़रूर ट्राई करते रहना, मैं ना सिंपल और इजी रेसिपी ही आपके साथ शेयर करती हूँ ताकि आपको भी ज़्यादा तामझाम करने की ज़रूरत ना पड़े और ज़्यादा टाइम कंज्यूम ना करे रेसिपी। तो इसी वजह से मैं ऐसे ही रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ जो इंस्टेंट बन जाती है, बट कभी कभी सब्जियों वाली रेसिपी थोड़ी सी हार्ड होती है, हार्ड मीन्स इतनी भी ज़्यादा तामझाम वाली नहीं होती है, क्योंकि मैं खुद रेसिपी शेयर करने से पहले सोचती हूँ कि ये सारी चीज़ें आप लोगों के यहाँ पर होगी या नहीं होगी, तभी जाके मैं आप लोगों के साथ वो रेसिपी शेयर करती हूँ। तो ऐसे होता है। और यहाँ पर ना ये सैनिटाइज कर रहे थे घर को पूरे, क्योंकि ऐसे ही करते हैं एक्चुअली ना, पहले वो डिटॉल और उस पानी से करते थे, पानी से और डिटॉल मिक्स करते सैनिटाइज करते थे घर को, बट अभी ये लिक्विड लेके आया है एक, तो
तो ये वाला लिक्विड है वो, मैंने सोचा चलो आपको भी काम आ जाएगा, अगर आपके सिटी में मिलता हो तो आपके भी काम आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा। तो ये वाला लिक्विड अभी पानी में मिक्स कर रहे हैं और इससे सैनिटाइज़ कर रहे हैं सारे घर को। तो ऐसे ही सैनिटाइज़ करते रहते हैं अभी, क्योंकि जब से ये लेके आया है ना, तो तब से मुझे ऐसे थोड़ा सा फील हो रहा है कि चलो यार घर सैनिटाइज़ हो रहा है पूरा। नहीं तो पहले ना डेटॉल के पानी से वो होता था, बट इतना ज़्यादा सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता था उस वाले पानी से। बट अभी दिल को थोड़ी सी तसल्ली मिल रही है कि चलो यार सैनिटाइज़ हो रहा है घर। गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है यार कि बच्चों को दो टाइम नहलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। तो मैं यहाँ पर अद्विक को शाम के टाइम नहला देती हूँ इस तरह से। तो ये शाम का टाइम था, 6 बज गए होंगे, तो उस टाइम मैं नहला देती हूँ अद्विक को। और मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ अद्विक के लिए मामा अर्थ का डीपली नरिशिंग बॉडी वॉश फॉर बेबीज़। और आप सभी को पता है कि मैं अपने बच्चों के लिए मामा अर्थ के प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ, और इनके प्रोडक्ट मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं क्योंकि इनके प्रोडक्ट केमिकल फ्री होते हैं और ऑल नेचुरल प्रोडक्ट से बने होते हैं। तो इसी वजह से मुझे इनके प्रोडक्ट अच्छे लगते हैं। और ये जो बॉडी वॉश है वो आपके बच्चों की स्किन को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बना देता है, और ये टीयर फ्री विद कोकोनट बेस्ड क्लींजर है, और सर्टिफाइड टॉक्सिन फ्री है, हाइपोलोजेनिक है, डर्मोटोलॉजिकली टेस्टेड है, और नेचुरल फ्रेग्रेंस है इसकी। और ये पीएच बैलेंस को भी बनाए रखता है, और 0 से 5 ईयर तक के बच्चों को आप इसे यूज़ कर सकते हो। और इसकी जो क्वांटिटी आपको इसमें मिलती है वो है 200 ml क्वांटिटी आपको इसमें मिल जाती है। और इस ब्रांड के बारे में बताया जाए तो ये एशियाज फर्स्ट मेडसेफ सर्टिफाइड ब्रांड है, और ये जितना प्लास्टिक यूज़ करते हैं उससे ज़्यादा प्लास्टिक रिसाइकल करते हैं। तो यही बात उनकी बहुत अच्छी लगती है मुझे। और इस बॉडी वॉश में बहुत अच्छे अच्छे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स ऐड है, जैसे कि एलोवेरा, विटामिन ई, वेजिटेबल ग्लिसरीन और पोटेशियम सॉर्बेट, ऑरेंज एसेंशियल ऑयल, इतने सारे, मतलब इससे भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे इंग्रेडिएंट इसमें ऐड है। और शैम्पू भी मैं मामाअर्थ का ही यूज़ करती हूँ। तो ये है मामाअर्थ का जेंटल क्लींजिंग शैम्पू फॉर बेबीज़, टीयर फ्री विद कोकोनट बेस्ड क्लींजर है, सर्टिफाइड टॉक्सिन फ्री है, हाइपोलोजेनिक है, डर्मोटोलॉजिकली टेस्टेड है, नेचुरल फ्रेग्रेंस है इसकी, और ये भी पीएच बैलेंस को बनाए रखता है, और 0 से 5 ईयर तक के बच्चों को आप इसे यूज़ कर सकते हो, और 200 ml क्वांटिटी आपको इसमें भी मिल जाती है। ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, इसको यूज़ करने से आपके बच्चों की आँखों में आंसू नहीं आएंगे, और इससे आपके बच्चों के बाल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं, इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। वो ये जो दो प्रोडक्ट है वो मैं अद्विक को नहलाने के लिए यूज़ करती हूँ, मामाअर्थ का डीपली नरिशिंग बॉडी वॉश फॉर बेबीज़ एंड मामाअर्थ का जेंटल क्लींजिंग शैम्पू फॉर बेबीज़। तो ये दोनों प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, मुझे काफ़ी दिनों से मैं यूज़ कर रही हूँ इसे, और बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं मुझे। और इन दोनों प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो सेम है, मतलब 199 rupees में ये दोनों प्रोडक्ट आपको मिल जाएंगे, मतलब अलग अलग एक प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो 199 rupees है। और अगर आप मेरा कूपन कोड यूज़ करते हो Kanchan20 तो आपको इस पर एक्स्ट्रा 20% ऑफ मिल जाएगा इन प्रोडक्ट पे मामाअर्थ की वेबसाइट पे। और ये जो प्रोडक्ट है वो अवेलेबल है मामाअर्थ की वेबसाइट पे, अमेज़ॉन पे एंड फर्स्ट क्राई पे, तो ये तीनों साइट पे अवेलेबल है। और अगर आप मेरा कूपन कोड यूज़ करते हो Kanchan20 मामाअर्थ की वेबसाइट पे तो आपको एक्स्ट्रा 20% ऑफ भी मिल जाएगा। तो मेरा कूपन कोड यूज़ करना मत भूलिएगा, और लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कर लेना। अद्विक आपके बाल तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट सॉफ्ट लग रहे हैं। इसकी बाल बना के देंगे, मैं वो कंघी लेके आऊंगा इसकी बाल बना देता हूँ। अजी देखो मैं बटरफ्लाई अब इधर आओ मेरे पास, मैं आपको बाल बना के देता हूँ। क्या नहीं लगाया? तेल। तेल आपको तेल लगाने की जरूरत ही नहीं, इतने सॉफ्ट हो गए बाल आपके। दीदी के बाल बहुत गए, दीदी जैसी हो गए। हाँ, दीदी से भी ज्यादा हो गए अभी तो। हाँ करो एक बार। एक बार और। ये किसकी साइल है? टप्पू की। टप्पू की अभी सुनो, अभी इसको काला टीका लगाना पड़ेगा इधर। इधर नहीं इधर। अच्छा यार आपके पैर में काला धागा है ना, है ना भाई? और यहाँ पर देखो नौटंकी स्टार्ट हो गया अद्विक की, ये ऐसे ही नौटंकी करते रहता है हमेशा।
और हाँ, आज के जो बर्थडे है तो मैं ऐसे ही विश करूँगी। तो आज बर्थडे है कौसर जी का, तो हैप्पी बर्थडे डियर कौसर जी, और आपकी सारी विश आज के दिन पूरी हो जाए और आपको भर भर के आपकी लाइफ में खुशियाँ मिले। और हिबा खान ने कमेंट की है कि अब्दुल्ला को विश करो। एक्चुअली अब्दुल्ला कौन है, उन्होंने कुछ भी रिलेशन उनके साथ का बताया नहीं है, बट फिर भी हैप्पी बर्थडे अब्दुल्ला जी, और आपको भी आपकी लाइफ में सारी खुशियाँ मिले और आपके दिन जो चाहो वो मिल जाए। और हाँ, यहाँ पर हमारा डिनर रेडी हो गया था, और ये है हमारा आज का सिंपल सा डिनर। दाल तड़का है और राइस है और रोटी है, और यहाँ पर टोमेटो प्याज और कैरी का सलाद है। तो ये है आज का सिंपल सा डिनर। तो चलिए पहले डिनर कर लेती हूँ और आप भी आ जाइए डिनर करने के लिए। तो चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद आपसे। चलिए गाइस, व्लॉग को यही पे एंड करती हूँ। और ये कुत्ते शांत होने वाले नहीं है, कब से मैं वेट कर रही थी कि ये शांत होंगे, बट बहुत जोर जोर से चिल्ला रहे, ये शांत होने वाले नहीं है और बहुत लेट हो गया है और फेस देखिए पूरा ऑयली हो चुका है। तो मिलती हूँ अच्छे से नए व्लॉग में आपसे। आई होप आपको ये छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आपको पता है क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, और उसके बाजू में एक बेल आइकॉन आएगा उसको भी क्लिक करना है ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और उसका आप सबसे पहले देख पाओ। तो इस वजह से नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना मत भूलिएगा। और आप चाहो तो मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, उस पर मैं प्रोडक्ट के रिव्यूज, ब्यूटी रिलेटेड टिप्स वीडियोज, हॉल वीडियोज, मेकअप वीडियोज इस तरह से डालती रहती हूँ। और आप में से कोई अगर मराठी मुझे देख रहा है तो मेरा एक मराठी ब्लॉग चैनल भी है, तो आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो। तो दोनों चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और इंस्टा का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हो। तो जाते जाते इतना ही बोलूंगी, सिर्फ लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, बाय।